हेलो एवरीवन, आप लोग ही अपनी चैनल पायल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट एक दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मात्र बहुत टेस्टी दाल आप 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे कि इतना टेस्टी बनाएंगे, बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसको बनाने के लिए कुकर रखें और इसमें हम सरसों का तेल डालें। सरसों के तेल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डाल के और इसमें तड़का लगा दें। डायरेक्ट हम कुकर में ही दाल बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन के हमारी रेडी होगी। जब तो और थोड़ा सा एक पिंच हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग डालने से दाल की टेस्ट भी बढ़ती है और अच्छा भी होता है। फिर एक प्याज को मैंने छोटे छोटे आकार में काट लिया है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यानी कि टमाटर और प्याज दोनों एक साथ नहीं ऐड करना है। प्याज हमारा भून जाए फिर इसमें हम टमाटर को डालेंगे। प्याज हमारा भून गया है, भून के थोड़ा ज़्यादा ही भून गया है। उसके बाद टमाटर हम इसमें डाल देंगे। एक टमाटर को थोड़ा बड़े टुकड़े में हम काट के डालें, क्योंकि कभी कभी बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए ऐसे, नहीं तो छोटे टुकड़े में इसको काट के डालें, नहीं तो टमाटर को पीस के भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंने ये हो गया, उसके बाद से चना दाल को मैंने एक घंटे के लिए कटोरी चने दाल को भिगा के रख दिया था। फिर इसको भी मैंने इसमें डाल के और प्याज और टमाटर और तेल के साथ थोड़ा सा भून लेने से ना इसकी टेस्ट बहुत अच्छे। सच में फ्रेंड, बहुत बढ़िया दाल आप बना के तैयार करेंगे। एक बार बना के ज़रूर तैयार रेडी करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इसमें हम नमक अब डाल देंगे। अब सारे मसाले थोड़े थोड़े दाल की तरह डाल देंगे, यानी कि सब्जी की तरह ज़्यादा नहीं डालना। हल्दी डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्का गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी तो डाल देंगे जितना मतलब चाहिए, और एकदम थोड़ा सा मिर्च का पाउडर भी हम डाल दिए हैं। ये दाल भी है और सब्जी भी है, दोनों का काम चल। अगर ऐसे दाल आप बनाओगे फिर आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डाल देंगे। चना का दाल है इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसमें 8-9 सीटी हम लगाएंगे, क्योंकि दाल भिगो के नहीं रखी थी, बस धुल के ऐसे रख दिए थे। और देखिए, इतना पानी डाल के उसके बाद कुकर को बंद करके और बस इसको धीमी आंच पे 8-9 सीटी हम लगा लेंगे। और सीटी हमारी लग गई थी, अब बहुत बढ़िया दाल हमारा बन के रेडी हुआ था, ना पतला ना गाढ़ा, बहुत बढ़िया। और गाढ़ा और होते जाता है। फिर इसमें हम एक तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा घी गर्म किए, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालें, कसूरी मेथी डाल के और फिर इसमें हम तड़का लगा लेंगे। और बहुत ही बहुत ही बढ़िया दाल आपके बन के तैयार होगा। प्लीज़ इस तरह एक बार दाल बना के ज़रूर तैयार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दाल आपको चावल, रोटी, पराठा, हर चीज़ के साथ अच्छी लगेगी, और पार्टी में भी आप इसको बना के बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली दाल है। एक बार तो हम चने के दाल को बॉयल करते हैं फिर उसमें तड़का लगाते हैं, लेकिन कभी जल्दीबाजी में आप इस तरह भी तैयार रेडी करके